मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आप जानते हैं कि मैं कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में शमूलियत की है, ये जो ज्वाइनिंग है ये खाली रजौरी में नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो पिछले 6-7 साल से मैं लोगों के साथ जुड़ा रहा, लोगों का दिल जीता, लोगों की आवाज़ को बुलंद किया, जिसमें 40,000 SPOs की आवाज़ को बुलंद किया, उनको काफ़ी हद तक इंसाफ दिलाया और आगे के लिए भी संघर्ष कर रहा हूँ, डेली वेजेस की आवाज़ उठाई, जम्मू कश्मीर की दबी हुई आवाज़ को बुलंद किया, ये उसी का नतीजा है। आने वाले वक्त में जिस तरीके से आपने अभी अभी देखा, मैं थ्रू वीडियो कॉलिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने जो मेरे साथी हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मैं उनको मैसेज किया है और ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है कि जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं, मैंने उन सब से बात करके ही ये पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत की है। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आपने यह जल्दबाजी में फैसला लिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी रजौरी से हमें जो वीडियो मौसूल हुए हैं, उसी तरीके से रामबन के अंदर, उसी तरीके से उधमपुर के अंदर, कठुआ के अंदर, और मैं एक आपको जानकारी देना चाहूँगा, इस वक्त रजौरी के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट यानी बेसिक अपने हक और इंसाफ से लोग महरूम हैं, वो आज तक ये सोच रहे थे कि हमें कोई चेहरा नज़र नहीं आता जिसके पीछे हम चलें, और हमने लोगों का दिल जीता हुआ है। अब आम आदमी पार्टी हमने इसलिए चूज की, आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, यानी लोगों के दिलों के साथ जुड़ी हुई है, यानी आम आदमी का मतलब होता है हम सब उस पार्टी के कार्यकर्ता और उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और आम आदमी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो बहुत ही सेकुलर हैं, हमें बड़ी खुशी हुई हम इस पार्टी में जुड़े, और जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और जम्मू कश्मीर की गरीब जनता को जो पिछले 70 साल से नाइंसाफी का शिकार हुई है उसको ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक ले जाएंगे, और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब की हुकूमत होगी और जम्मू कश्मीर के लोग अपने हक और इंसाफ से महरूम नहीं रहेंगे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं दिल की गहराइयों से, दिल की अमीर गहराइयों से जम्मू कश्मीर यही रिक्वेस्ट है कि हमें डिसइंगेज 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, लेकिन कोई भी हमारा हल नहीं किया गया, बल्कि इसलिए हमें बाली साहब से और केजरीवाल साहब से ये इल्तजा है कि ये जो डिसइंगेज फोर्स है, इनको रीइंगेज किया जाए, क्योंकि इन पर बहुत गरीबी चाहिए, घर में पैसे खाने के लिए नहीं है, घर में खाना खाने के लिए नहीं है, कोई मजदूरी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। बाकी रही जो पहले सियासत थी, यहाँ से हमारे अपने फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहब और रविंदर रैना साहब यहाँ दिल्ली चले गए, और दिल्ली हमारा कोई गरीब की आवाज़ नहीं उठाई, कोई कुछ नहीं किए, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए गए, कोई हमारी बातचीत वहाँ पे कोई नहीं की, लेकिन सिर्फ हमें अल्लाह ने मसीहा बना के एक फरिश्ता भेजा हमारे लिए, गरीब के लिए, जनाब बाली साहब। बाली साहब ने हमारे आवाज़ जो है आगे तक पहुँचाई, मोदी साहब के पास भी गए और फारूक अब्दुल्ला साहब के पास भी गए, लीडर था उनके पास, उन्होंने हमारा हाल नहीं किया, लेकिन केजरीवाल जनाब के पास चले गए, उन्होंने बोला ये मुर्दा मैं पूरा करूंगा, इसलिए वहां से वो उन्होंने हमारी हलप सुप्रीम कोर्ट तक की, और हमारा आधा काम हो जो है वो बाली साहब कर चुके हैं, इसलिए हमारा लहजा, इसलिए कि बाली साहब से यही इल्तजा है कि हमारा कम से कम तादाद में जो हर जगह पर मीटिंग की जाती है, कम से कम तादाद में, इसलिए वहाँ बाली साहब को ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर ना लगे, हमें नौकरी में रीइंगेज किया जाए, ताकि आपको भी आगे फ़ायदा मिल सकेगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, लेकिन बाली साहब आप हमें, क्योंकि जो भी आया वो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए, आपको कोई मतलब नहीं है,
आपको कोई नहीं, आप नेक इंसान हो इसलिए आप हमारा गरीब की आवाज़ उठा रहे हो। बाली साहब से यही इल्तजा है कि हमारी आवाज़ आगे तक उठाएं और हमें रिंगेज किया जाए। हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत बुरी कंडीशन है, कोई भी गरीब की आवाज़ नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए आवाज़ उठाता है, बाकी गरीब की आवाज़ कोई भी नहीं उठाता। इसलिए यही बाली साहब से इल्तजा है, केजरीवाल साहब से यही इल्तजा है कि गरीब की आवाज़ उठाओ, बहुत बेरोजगारी है। पढ़े लिखे नौजवान इधर घर में बैठे हैं, जो पढ़ लिख कर घर बैठे हैं वो कोई काम नहीं कर सकते। यही मोदी साहब ने और ये हुकूमत ने यही बस ये पढ़े लिखों के लिए ये किया है कि आप जाओ बैंक से लोन निकालो और आप ऐसा करो कि दुकानें डालो और कोई और जानवर लो बस, क्योंकि इनको इनको पता है कि बाद में ये पैसा नहीं मुका सकेंगे, जो ये इनकी ज़मीन है यही हड़प करेंगे। ये हुकूमत यही चाहना चाहती है। इसलिए बाली साहब आपसे यही इल्तजा है, जो भी डिसइंगेज SPO है इनके लिए, इनके बारे में सोचिए और इनको रीइंगेज कीजिए। जनाब से यही बार बार इल्तजा है, और हम जितने भी जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं हम बाली साहब के साथ हैं। क्या आप बाली साहब के साथ हो? इंशाल्लाह बाली साहब के साथ हो, इंशाल्लाह हम बाली साहब के साथ हैं। बाली साहब जहाँ जिस पार्टी के साथ जाएंगे हम बाली साहब के साथ हैं। हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाली साहब चाहिए। जहाँ भी बाली साहब जाएंगे हम बाली साहब के साथ हैं, क्योंकि बाली साहब एक नेक इंसान है। हम बाली साहब को चाहते हैं, इसलिए बाली साहब के पीछे पड़े हैं और हर जगह ये मीटिंग करते हैं। बाली साहब ने ये जो पार्टी चुनी है ये नेक है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने भी दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए हैं जिनकी वजह से बाली साहब वहाँ पर पहुँचे। केजरीवाल साहब भी नेक थे, बाली साहब भी नेक हैं, तब उनके पास जाके पहुँचे हैं। इसलिए हमारे से ये इल्तजा है कम से कम तादाद में हमें भर्ती किया जाए, और ताकि हमारी जो भी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। हम बाली साहब के साथ हैं हर वक्त। अगर बाली साहब रात के 12 बजे हमें याद करेंगे हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बाली साहब जहाँ पानी मांगेंगे ना वहाँ हम खून देने के लिए तैयार हैं। बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये वीडियो कट कर छोड़ो। डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील थन्ना मंडी से बिलोंग करता हूँ। हमारे साथ तनवीर चौधरी साहब, आरिफ कुरैशी साहब हैं। इस साइड में हमारे जो हैं लतीफ़ साहब जो कि द्रहाल से हैं, अशरफ भाई हैं ददासन से हैं। हमारा यहाँ आने का मकसद एक ही था कि हमारे जो डिसंगेज भाई हैं ये काफ़ी अरसे से जो हैं ये घर में बैठे हुए हैं, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर की, DGP साहब हैं, IG साहब हैं, उनको कुछ आज तक कोई पता नहीं है कि ये गरीब आवाम कहाँ बैठी हुई है। SP ऑफिस पहुँचते हो तो 10,000 की लालच दे के उनको जो SSP के PA साहब को 10,000 दिया तो डिसंगेज करके घर बैठ दिया, वो नंबर डाल के दूसरे को जो है उन्होंने एंगेज कर दिया। यही कंडीशन शुरू से आज तक। आज हमने एक ऐसे आदमी का हाथ पकड़ा है जिनका नाम है सेवा सिंह बाली, जो कि ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के चेयरमैन रहे। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ा। आदमी पार्टी जाने के लिए उनको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमारे जो भाई डिसंगेज हैं, इनकी प्रॉब्लम जो है काफ़ी 8 साल 10 साल से चल रही है और दौर धूप में लगे हुए हैं। हम उनके साथ हर तरीके से, हर लिहाज से उनका साथ दे रहे हैं, चाहे माली इमदाद हो, जहाँ उनको ज़रूरत पड़े हमारी, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमारे ये भाई है जो है नौजवान, ये हर एक ऑपरेशन में जाने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने जो है किसी की टांग में गोली लगी हुई है, किसी के सर में लगी हुई है, कोई कहीं है कोई कहीं, हॉस्पिटल पहुँचा तो डिसंगेज कर दिया। हमारी जो है जम्मू कश्मीर हुकूमत से यही इल्तजा है कि जो हमारा कोर्ट का डिसीजन आने से पहले ही या इलेक्शन के आने से पहले ही, ये जो हमारे डिसंगेज भाई हैं इनकी मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 3500 से 4000 तक है, लिहाजा इनको रीएंगेज कर दिया जाए। नहीं है तो आने वाले हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर नहीं होंगे। मैं इसी पे फिर भी जो है सेवा सिंह बाली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी का हाथ पकड़ा है जो मजबूत पार्टी है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा केस सुप्रीम कोर्ट तक लेके वहाँ जो है पटिशन दायर की, कोर्ट ने एक्सेप्ट। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि उस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो एक हेयरिंग नहीं, दूसरी हेयरिंग नहीं, तीसरी में हमारा कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। हम तो यही सोचते हैं कि कोई बेहतर हल निकले, अगर नहीं निकलेगा तो हम जो है ये लोग ऐसे तैयार हुए हैं कि हम रोडों पर उतरेंगे,
क्योंकि इनके घरों में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है, जो कि 8 साल या 10 साल से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मिलिटेंसी के मारे हुए लोग हैं, जो लोग किराए पर रह रहे हैं। एक आदमी है जो दिन का बीवी बच्चों का खर्चा पूरेगा या मकान का किराया देगा,